टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन ऑर्थोग्राफिक का ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें दो कटिंग प्लेन है, एक फ्रंट व्यू में है और एक टॉप व्यू में है। तो इसका मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाया और ये सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग ए बी कर रहा हूँ। तो उसमें देखो, अगर मैं इसको काट रहा हूँ, देखो आप सिर्फ विजुलाइज कर रहे हो, आप एक्चुअल में इसको नहीं काट रहे हो, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं इसको बीच से अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं काटूंगा, तो ऐसा दिखेगा। तो जो पोर्शन कट होता है वो हैच करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मैंने वो रिब का पोर्शन हैच नहीं किया। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? इसको रिब बोलते हैं, क्योंकि रिब का काम क्या होता है, रिब स्ट्रेंथ के लिए और सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग ए बी, सो ए बी में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये दो लाइन डार्क करनी पड़ेगी। तो जब भी आप रिब को पैरेलल काट रहे हैं तब उसमें हैचिंग नहीं करेंगे, ये उन्होंने रूल बनाया हुआ है। तो ये एक रूल है कि जब भी रिब को आप पैरेलल काटते हैं तब उसमें हैचिंग नहीं आता। जब भी उसमें आप बड़ा पोर्शन हैच करते हैं, रिब का बड़ा पोर्शन हैच करने को आता है, तभी हम लोग नहीं करते। तो इसमें सेक्शनल फ्रंट व्यू अलोंग ए बी में रिब में हैच नहीं होगा, क्योंकि रिब को हम पैरेलल काट रहे हैं, अलोंग द लेंथ काट रहे हैं। और अभी देखो पी क्यू, ये हाइट दिया रहेगा, लेट्स से यहाँ से काट रहे हैं पी क्यू, तो ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा? देखो ऐसा होगा ऑब्जेक्ट। ये पोर्शन हैच होगा, तो इसमें मैं रिब को हैच कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज मैं इसमें रिब को अक्रॉस विड्थ काट रहा हूं, उसमें अलॉन्ग लेंथ था, इसमें अलॉन्ग विड्थ है। तो जो पोर्शन कट होता है उसमें हम लोग हैच करते हैं, बिकॉज इसमें मैं काफ़ी मिनिमम एरिया निकाल रहा हूँ रिब का ऊपर, आप देखो तो मैं काफ़ी छोटा पोर्शन हैच कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, जब भी आप अलॉन्ग द लेंथ काटोगे तब उसमें हैचिंग नहीं आएगा, बट जब आप अक्रॉस काटोगे तब उसमें हैचिंग आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस रखना ज़रूरी है ना, अदरवाइज पता नहीं चलेगा हमें कि भाई अक्रॉस लेंथ है या अक्रॉस विड्थ है। तो ये आप याद रख सकते हो। और एक चीज़ याद रख सकते हो बोलने के लिए कि भाई जब बड़ा पोर्शन निकालते हैं तब हैच नहीं करते, जब छोटा पोर्शन निकालते तब हैच हम लोग करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। साइड व्यू वैसा का वैसा ही रहेगा, साइड व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।